नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें बार हैं जो सीरीज में लगी हुई हैं, तीनों अलग अलग का एरिया जो है अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, इनमें लोड्स लगे हुए हैं अलग अलग, तो हमें निकालना है चेंज इन लेंथ टोटल जो है वो कितना होना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम बना लें तो ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर की, ये लेंथ दी हुई है हमें 1 मीटर की, और इसके बाद ये लेंथ दी हुई है हमें 0.75 मीटर की। ये एरिया दिया हुआ है 20 × 20 का, और ये है 25 × 25, 25 × 25, और ये है 30 × 30। उसके बाद लोड है अलग अलग तीनों में, इसमें है 120 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पर है 50 किलो न्यूटन का लोड, और यहाँ पर है 150 किलो न्यूटन का लोड, 150 किलो न्यूटन, और इधर है कितना 220 किलो न्यूटन, 220 किलो न्यूटन। इलास्टिसिटी दी हुई है 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि तीनों की जो बार हैं तीनों की तीनों स्टील की हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिए क्या करें, सबसे टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी कि डेल्टा एल बराबर होगा पहली में प्लस दूसरी में प्लस तीसरी में, एल्जेब्रिक समेशन हमें लेना है, प्लस माइनस L1 2 प्लस माइनस डेल्टा L3। तो डेल्टा L1 कितना होगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस माइनस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस माइनस P3 L3 अपॉन A3 E3। अब L1 हमें गिवन है, L1 कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, L2 गिवन है हमारे पास कितना है 1 मीटर, और L3 हमारे पास है 0.75 मीटर। एरिया हमारे पास 1 का है 30 × 30, यानी कि 900 mm², ये मीटर में, इसको मिलीमीटर में हमें चेंज करना है। A2 हमारे पास है 400 mm², और A3 है हमारे पास 625 mm². ई तीनों का सेम है 2 × 10^5। हमें निकालना क्या है, P1 P2 P3, तो वो निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तीनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो यहां पर जो टोटल लोड है 120, तो यहां पर भी आपके पास इस सेक्शन पे टोटल लोड कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। कैसे करेंगे, जो बाहर की तरफ जो लोड जा रहे हैं वो प्लस में, जो अंदर आ रहे हैं वो माइनस में, तो बाहर कौन कौन से जा रहा है, 220 और 50। 220 और 50 कितना हो गया, ये हो गया 220 प्लस 50 और -150, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 120, 120 आ गया। इसी तरह से इस बार पर 220 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 220। तो वो कैसे करेंगे, 120 बाहर की तरफ, 150 बाहर की तरफ, 120 प्लस 150 270 माइनस 50, तो ये बच गया हमारे पास 220। अब जो बीच वाला सेक्शन है उस पर कैसे निकालेंगे, तो इस पर और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी लोड है उनका एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो 120 बाहर की तरफ, तो 120 बाहर की तरफ और 50 अंदर की तरफ, तो बचा कितना हमारे पास 70। तो 70 किलो न्यूटन जो कि बाहर की तरफ टेंसाइल होगा, और इसी तरह से यहाँ 70, तो यहाँ पर भी कितना होगा 70। तो हमारे पास P1 आ गया 120 किलो न्यूटन, P2 आ गया 70 किलो न्यूटन, और P3 आ गया हमारे पास 220 किलो न्यूटन, और तीनों ही क्या है, टेंसाइल है। तो डेल्टा एल हमारे पास हो जाएगा P1 120 × 10^3, L1 हमारे पास है हमें मीटर में, इसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10^3 अपॉन ए 900 × 2 × 10^5। डेल्टा एल टू P2 हमारे पास हो गया 70, 70 × 10^3, L2 हमारे पास हो गया 1 मीटर है, यानी कि 10^3, और ये हो गया 400 × 2 × 10^5, और P3 हो गया हमारे पास 220 × 10^3, L3 हो गया हमारे पास 0.75 × 10^3 अपॉन A3 और 2 × 10^5। तो इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आती है 3.195, 3.195 mm। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे, जो सीरीज में बार्स लगी होंगी, तो यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ निकालना होगा। इसको करेंगे कैसे, हम सबसे पहले सभी के लिए इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, उनके बीच में एल्जेब्रिक समेशन करेंगे। अब हमें लेंथ गिवन होगी, एरिया गिवन होगा, और इलास्टिसिटी गिवन होगी। मेनली हमारा काम क्या होगा, हमें
लोड निकालना होगा। तो लोड निकालने के लिए हमने क्या करा, जितने भी बार्स लगे हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में, तीन लगे थे, तो हम तीनों को अलग अलग करना है। पहली वाली और आखिरी वाली जो बार होगी उस पर लोड की वैल्यू वही होगी जो गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लगाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के उनपे। यानी कि अगर लोड जैसे कि इसकी बात करूं तो 120 इस पे बाहर की तरफ है, तो इधर ये बैलेंस तभी होगी जब इस साइड इस पर 120 लगे। इसी तरह ये 220 इस पर इस बाहर की तरफ जा रहा है, तो 220 ये वाला भी किधर की तरफ हो, अंदर की तरफ। बीच वाली जो रोड है वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है बीच वाली बार में, उसके लिए कैसे करना है, ये जो सेक्शन है जहां से ये चालू हो रही है इस पर और इसके लेफ्ट साइड में जो भी लोड है उनका एल्जेब्रिक समेशन करना है। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब जो बाहर जा रहा है वो प्लस, जो अंदर आ रहा है वो माइनस। जैसे कि यहाँ पर 120 बाहर जा रहा है तो उसको प्लस लिया, 50 अंदर आ रहा है तो उसको माइनस लिया, तो टोटल जो रिमेनिंग बचा वो 70, जो कि कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर 70 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 70 होगा। सारी की सारी वैल्यू हम हमारी जो इक्वेशन बनी उसके अंदर पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले।